हमको आज बहुत खुशी है कि सारे दल के लोग दल तोड़ करके हमको आशीर्वाद देने का काम कर रहे हैं। यही लोग 35,000 दिए हैं, यही लोग 80,000 दिए थे, यही लोग 1,00,000 के पार भी दिए। तालियों से स्वागत किया जाए। हम कार्यकर्ताओं को ताने ही सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। हम लगातार एक मजबूत विकल्प बिहार को देना चाहते हैं, हमारे नेता देना चाहते हैं, और उसी परिप्रेक्ष्य में हम अपना बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत कर रहे हैं। अच्छे समय में तो सारे लोग रहते हैं, लेकिन बुरे समय में जो साथ रहे वही अपना शरीर संबंधी है, रिश्तेदार है, और वही अपना चिंतक है। आज भी शिक्षा के लिए लोग कोटा और दिल्ली का रुख कर रहे हैं, और हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी बताए हैं कि वहाँ पढ़ने वाला भी बिहार का और पढ़ाने वाला भी बिहार का, और जो खाना खिलाने वाला है वो भी बिहार का। तो इसका मतलब कि हमारे यहाँ सब कुछ है, लेकिन उसको उचित परिवेश नहीं मिल रहा है कि वो यहाँ वो कर सके। तो हमारा जो विजन है बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, उसमें हम कोई समझौता नहीं करेंगे, और बिहार के युवाओं को न शिक्षा के लिए और न रोजगार के लिए, दोनों में से किसी शर्त पर हम बिहार से बाहर जाने नहीं देंगे, यह हमारे नेता का सोच है। नमस्कार, अभी हम लोग बिहार के पूर्वी चंपारण जिला के गोविंदगंज विधानसभा क्षेत्र में है, जहां गोविंदगंज विधानसभा क्षेत्र का मझरिया भरवलिया प्रखंड के मैं अभी पंचायत भवन पर मौजूद हूं। यहां भारतीय जनता पार्टी की कुछ कार्यकर्ता हैं जो लोजपा में जुड़ने का काम कर रहे हैं, और यहां पे जो कि पूर्व विधायक माननीय श्री राजू तिवारी जी के द्वारा यहां एक कार्यक्रम किया जा रहा है, जिस कार्यक्रम का आगाज अभी होगा कुछ ही देरों में। हमारे ठीक अपोजिट साइड में यहां पर लगा हुआ है सब, यहां अभी माननीय विधायक श्री राजू तिवारी जी पहुँचने वाले हैं, और यहां लोजपा पार्टी का एक संगठन के लिए यहां कार्य किया जाएगा, संगठन की मजबूती के लिए एक जो कि आयोजन रखी गई है, जिसमें तमाम इस गोविंदगंज विधानसभा क्षेत्र के जनता यहां मौजूद हैं, और यहां जो भी लोजपा के नेता है वो भी लोग यहाँ मौजूद हैं। पहाड़पुर प्रखंड के भरवलिया मझरिया पंचायत में जो है संगठन के मजबूती के लिए जो है यहाँ कार्यक्रम रखा गया था, आगे की क्या रणनीति है आपकी? देखिए, सबसे पहले लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के हमारे आदरणीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है चिराग पासवान जी, वो लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं, और हम लगातार एक मजबूत विकल्प बिहार को देना चाहते हैं, हमारे नेता देना चाहते हैं, और उसी परिप्रेक्ष्य में हम अपना बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत कर रहे हैं। हमारा एक बूथ 10 यूथ का जो कार्यक्रम है सफलतापूर्वक आपके समक्ष यहाँ आज बरौलिया में मझरिया पंचायत का पूर्ण हुआ है, और इसी प्रकार प्रति 15 दिन के बाद हम एक पंचायत का मीटिंग करने जा रहे हैं। हमारा 16 पंचायत का 1 बूथ 10 यूथ का कार्यक्रम पूर्ण हो चुका है। हम सबसे पहले अपने बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को सम्मानित करेंगे, और उसके बाद उन्हीं के बलबूते उन्हीं की तैयारी से हम आने वाले लोकसभा या विधानसभा चुनाव में हम क्षेत्र में जाएंगे, और हम अपनी इतनी मजबूत पकड़ बनाएंगे कि हमारे सर पर हमारे साथ किसी का गठबंधन होगा और हमारे नेता उसमें सबसे आगे रहे। हमारा यही कार्यक्रम। तालियों से स्वागत किया जाए। हम कार्यकर्ताओं को ताने ही सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। इसके बाद पहाड़पुर प्रखंड के प्रखंड प्रमुख चंदन सहनी जी, उप प्रमुख, बहुत सारे नेता बैठे हुए हैं और यहाँ पर उपस्थित आज इस पंचायत के बूथ स्तर के कार्यक्रम में सारे बूथ के 10-10 सदस्य जो अभी सम्मानित हुए हैं, और भी हमारे प्रखंड के बड़े हमारे साथी जो हमारे दुख सुख में साथ दिए हैं, और यहाँ पर उपस्थित सभी इस पंचायत और अगल बगल के पंचायत से आए हुए गणमान्य व्यक्ति, माता बहन, पत्रकार, मीडिया के सभी साथी का मैं हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करता हूँ। देखिए, काम करने की बात है। हमको 2010 में यहाँ चुनाव लड़ने का शुरुआत जब परिसीमन हुआ तो सौभाग्य मिला, उसमें हम चुनाव लड़े थे लेकिन चुनाव हम हार गए थे। हम भी चाहते तो हमको भी जदयू से और कहीं कहीं से ऑफर मिला था कि आप आ जाइए, आपको हम टिकट देंगे, लेकिन सबसे बड़ी चीज होती है, एक मिनट जरा एक जरा शांति बनाइए ना, तो बोल लेंगे। उस समय हमारा एक सिद्धांत है, मैं चाहता हूं कि गोविंदगंज की धरती का ये, जब अच्छे समय में तो सारे लोग रहते हैं, लेकिन बुरे समय में जो साथ रहे वही अपना शरीर संबंधी है, रिश्तेदार है, और वही अपना सुचिंतक है। तो किस कारण से गठबंधन टूटा है इस पर मैं नहीं जाना चाहता। गठबंधन टूट गया,
चुनाव लड़ने की बात आई, हमारे नेता बोले कि भाजपा के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ना है, चूंकि उनको कुछ नीतीश कुमार जी से किसी चीज की अनबन नहीं थी। नीतीश कुमार जी ऊपर से दिखने में कुछ और हैं और अंदर से दिखने में कुछ और। हमारे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान अस्पताल में भर्ती थे, लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनको अपमानित करने का काम किया मीडिया के माध्यम, भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री, और जब मीडिया से पूछे वो आईसीयू में भर्ती थे, जिंदगी और मौत से जूझ रहे थे। ऐसी परिस्थिति में पूछा गया जब मीडिया को, नहीं हमको नहीं पता, अरे बिहार के गरीब घर का लड़का 50 साल का बेदाग राजनीतिक करियर और भारत सरकार के 6 प्रधानमंत्री के साथ काम करने वाला, भारत सरकार में मंत्री कैबिनेट, और उसके बारे में आपको जानकारी नहीं। कई बातों पर उन्होंने अपमानित करने का काम किया, तो किसी का बाप अगर अपमानित होगा तो बेटा बर्दाश्त नहीं करेगा। बाप को अगर हमारे किसी भी के पिता को अगर कोई अपमानित करे, अपना अपमान बर्दाश्त करेगा, लेकिन अपने पिता का अपमान अगर बर्दाश्त करेगा तो बेटा नलायक नहीं नलायक ही कहेगा। ऐसी परिस्थिति में हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी, गठबंधन टूट गया, कोई परिस्थिति बनी, लेकिन उस परिस्थिति में मेरे पास भी बहुत सारा रास्ता था, मेरे पास भी बहुत सारे प्रलोभन आए, लेकिन मैं कहा गोविंदगंज का बेटा हूं, गोविंदगंज का भाई हूं, अगर सुख में आप साथ दिए हैं, आपके टिकट पे मैं विधायक बना हूं, आज ऐसी परिस्थिति में भी मैं आपके साथ मजबूती से रहूंगा। चुनाव जीतना हारना तो दूसरा विषय, आने वाले समय में चुनाव, लेकिन संगठन चुनाव के लिए ही होता है। और बड़ा खुशी हुई कि आज भरवलिया उत्क्रमित हाई स्कूल में हमारे संगठन के यहाँ पहला ऐसा पंचायत है जो 10 हर बूथ पे 10 समर्पित कार्यकर्ता लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चिराग पासवान के नेतृत्व में आज गठन हुआ है। सारे लोगों को सम्मानित करने का कार्यक्रम हुआ है, और हमारे प्रखंड स्तरीय बड़े नेता और हमारे जिला अध्यक्ष, हमारी महिला सेल के जिला अध्यक्ष और हमारे प्रमुख, सारे लोग बड़े हमारे पार्टी के जुझारू साथी इकट्ठा हुए थे। बहुत अच्छा लगा। और गोविंदगंज में मैंने ये भी पाया कि जो किसी कारण बस साथ नहीं थे, आज ऐसे सैकड़ों चेहरे देखने में अच्छा लगा, खुशी हुई। यही लोग 33,000 दिए हैं, यही लोग 80,000 दिए थे, यही लोग 1,00,000 के पार भी थे। और भाजपा के लोग बहुत सारे देख रहे हैं, भाजपा के भी कार्यकर्ता आपके तरफ जो है इस पार्टी में जो है सदस्यता ले रहे हैं। देखिए देखिए गोविंदगंज की महान जनता जिसको चाहेगी वही, जिसको आशीर्वाद देगी उसी को सफलता मिलेगी। तो हमको आज बहुत खुशी है कि सारे दल के लोग दल तोड़ करके हमको आशीर्वाद देने का काम कर रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, जो भी व्यवस्थाएं हैं, यह आपसे भी छुपी नहीं है, आप पत्रकार के लोग, पत्रकार मीडिया के जो बंधु हैं उनसे भी छुपी हुई नहीं है। आज भी शिक्षा के लिए लोग कोटा और दिल्ली का रुख कर रहे हैं, और हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी बताए हैं कि वहाँ पढ़ने वाला भी बिहार का और पढ़ाने वाला भी बिहार का, और जो खाना खिलाने वाला है वो भी बिहार का। तो इसका मतलब कि हमारे यहाँ सब कुछ है, लेकिन उसको उचित परिवेश नहीं मिल रहा है कि वह यहाँ वो कर सके। और हमारे नेता को यदि सत्ता में भागीदारी मिली, सत्ता उनके हाथ आया, तो हमारा जो विजन है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, उसमें हम कोई समझौता नहीं करेंगे। और बिहार के युवाओं को न शिक्षा के लिए और न रोजगार के लिए, दोनों में से किसी शर्त पर हम बिहार से बाहर जाने नहीं देंगे, यह हमारे नेता का सोच है और हम इसी थ्योरी पर काम कर रहे हैं। हमारा यही एकमात्र लक्ष्य है कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। हमारा नाम कहीं अगर दूसरे प्रदेश में कोई ले बिहार का, तो सम्मान के साथ ले, और आने वाले समय में फिर देश में सबसे ज़्यादा IAS IPS देने का राज्य अगर बने तो वह बिहार बने। हम इसी पर चलने वाले हैं। हम वर्तमान सरकार के रुख से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि वर्तमान सरकार आज भी पिछले 15 साल के सरकार का हवाला दे रही है, लेकिन 17 साल में खुद क्या की, उस समय 2005 में जब आदरणीय नीतीश कुमार जी ने गद्दी संभाला था, उसका हुआ था वो आज 17 साल का हो गया होगा। तो आपने 17 साल में उसके लिए क्या किया, आज भी आप वो 15 साल दिखा रहे हैं। इसलिए हम इनके कार्यकलाप से खुश नहीं है, और हमारे नेता का जो सोच है कि आने वाले समय में यदि आम जनता का सहयोग, आम कार्यकर्ता का सहयोग हमें मिला और हमारी सरकार में और सत्ता में भागीदारी बनी, तो हम निश्चित तौर पर बिहार को देश के अग्रणी राज्य में शामिल करने का काम करें। अभी आपके विधानसभा क्षेत्र के जो भी भाजपा कुछ कार्यकर्ता हैं जो अभी भाजपा में जुड़ने का काम करें, उसका क्या कारण? इसका सीधा सीधा कारण है कि जो
अन्य दल से जो कार्यकर्ता जो साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं या जुड़ रहे हैं, इसका मतलब कि उनका अन्य दल से मोह भंग हो चुका है, उनके कार्यकलाप से संतुष्ट नहीं है और हमारे नेता में उनका आस्था जगा है, हमारे नेता के बात पर उन्हें भरोसा हुआ है और इसी भरोसे के आशय पर वो हमारे साथ आगे जुड़ रहे हैं और हमारे यहाँ वैसे कार्यकर्ताओं का स्वागत है। जो भी राजनीतिक क्षेत्र में आदरणीय चिराग पासवान जी के विजन पर, आदरणीय चिराग पासवान जी के बात पर भरोसा करके हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारे यहाँ दरवाज़ा खुला है और ऐसे कार्यकर्ताओं का हमारे यहाँ स्वागत है।